तो वेलकम, मैं नीतीश सर, आपका स्वागत है। नेहा, आपका भी स्वागत है। और मैं नीतीश सर से बात करने के लिए, ये हम लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था। नीतीश सर से मैंने शाम को बात किया था, तो नीतीश सर अभी ऑफिस में थे। तो मैं अभी जानना चाहूँगा कि मैं लगभग आपको मेरे ख्याल से लगभग 7 बजे टेक्स्ट किया था, हाँ, साढ़े बिल्कुल, छः सात के हाँ, आसपास। उसी के राउंड में ये थे। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगी, अभी आप एज ए डाटा साइंटिस्ट हैं, और इससे पहले मैं शुरू करूँ, अभी जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी बता दूँ कि आपने जो है आईटी मद्रास से बीएस और एमएस दोनों किया है, जी, और आपका जो वहाँ पे था डिग्री था वो बायो बायो टेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। हाँ बायोटेक्नोलॉजी से था। बट इन उनका इंटरेस्ट डाटा साइंस में ज़्यादा रहा, तो इसके बाद उन्होंने डाटा साइंस में वहाँ से जो है प्लेसमेंट लिया, आईटी मद्रास से कैंपस प्लेसमेंट लिया। जी और नेहा भी इंटर्नशिप कर रही है डाटा साइंस के फील्ड में, तो इसलिए हम लोग थोड़ा डाटा साइंस के अराउंड बातचीत करेंगे। और मैं तो जानना चाहूँगा कि अभी आपको वर्किंग कितने साल हो गए सर, एक बार फिर से बता मुझे दीजिए। अभी रफली 5.5 ईयर्स हो गए हैं। 5.5 ईयर्स हो गए, और मैं शाम को सर को टेस्ट किया तो ऑफिस में थे। तो मैं एज ए डाटा साइंटिस्ट मैं आज जानना चाहूँगा, आज का दिन आपका कैसा रहा, सुबह से लेकर अभी तक आज आज का दिन थोड़ा कितने बजे? हेक्टिक था, अच्छा तो मतलब हर दिन ऐसा नहीं रहता है। तो किसी दिन मैं 5 बजे भी फ्री हो जाता हूँ, और किसी दिन 7, 7.5, 8 बज जाते हैं। तो अच्छा वैसे आज और अर्ली मॉर्निंग हमेशा 10 o'clock से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपको अच्छा 10:30 स्टैंड अप होता है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि हाँ, क्या काम चल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम फेस की हो, वो सब चीज़ें होती है। उसके बाद फिर वो दिन का प्लान डिसाइड होता है कि हाँ, आज ये करने वाले हैं हम लोग। और उसके बाद फिर बीच में कभी भी आपको कुछ भी डाउट हुआ, चाहे किसी अपने मैनेजर से कनेक्ट करना हुआ, तो आप बीच में कभी भी कनेक्ट करके आप उसको अपडेट दे सकते कि हाँ, ये चीजें हो रही है। तो मोस्टली यही चीजें चलती है, और इसके अच्छा अलावा हाँ, जी बढ़िया बढ़िया। तो मतलब आप 10 बजे से लेके और शाम का, वैसे नॉर्मल ऑफिशियल आवर कितना है आपका? ऑफिशियल आवर है 9:30 to 6:30। 9:30 to 6:30। बढ़िया बढ़िया। तो अब आप पास में ही है शायद आपका जी ऑफिशियल जी 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 रेसिडेंस? वन वन किलोमीटर बाई वॉक, तो ओके, तो इसलिए आप क्या कन्वेंस यूज करते हैं चले जाने के लिए? वॉक करके जाते हैं। बढ़िया है, तो बढ़िया जी, है, बढ़िया। ये तो और बढ़िया है, बेंगलोर का कहीं ना ट्रैफिक कहीं, भी। हाँ, क्योंकि बैंगलोर में है, अभी करेंटली बैंगलोर में स्टे कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक का सिचुएशन उतना सही तो नहीं है बैंगलोर में, तो इसलिए मैं प्रिफर किया कि नज़दीक में ही हो ऑफिस के, तो ज़्यादा। ये बहुत अच्छा है। ठीक, तो अच्छा। और ये बताइए कि फिर आपके बीच में ब्रेक होता है, ऐसा कोई ऑफिशियल ब्रेक टाइम है आपका या? कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई वो लिमिट, वो टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 1 से 2 ही लंच करते हैं, उसके बाद आपको काम अच्छा करना है। तो आपको जब भी आपको टाइम मिले आप लंच कर लो। तो हम लोग का जैसे वहां पर मोस्टली हम लोग जो आप कलीग लोग हैं डिसाइड किए कि हाँ, 1 बजे हम लोग जाएंगे, लंच वंच कर लेंगे। तो वो एक ग्रुप, वो पूरा एक ग्रुप बैठता है, वो बातें बातें करते हैं, फिर हम लोग 1:30 2 बजे, फिर उसके बाद फिर अच्छा 15 मिनट का वॉक लेते हैं खाने के बाद। तो रफली वन अच्छा से टू हमारा वो उसी में रहता है, उसके बाद 2 बजे फिर आके अपना काम में लग जाते। तो वहाँ क्या मतलब आप ऑफिस के अंदर में या फिर नहीं कहीं नहीं बाहर में, आउट ऑफ कैंपस में। कैंपस? जी ओके, बढ़िया बढ़िया। तो आपने अभी हाल में एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, हम उसके बारे में बात करेंगे। जी तो जी जी आप अपने मतलब चैनल आपका जो है फाइनेंस से रिलेटेड है? जी जी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है। ओके ओके। और कहीं ना कहीं जब मैं खुद ये जब चीजें सीख रहा था उस टाइम, तो मुझे तो काफी मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्योंकि आप अचानक से, आप मतलब कंपनी जब ज्वाइन करते हो तो आपको चीजें कुछ पता नहीं होती है कि टैक्स कैसे काम करता है, आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होती है, ई शॉप्स, ये हाँ सब चीजें हाँ क्या होती है, तो ये सब कुछ पता नहीं होता है। तो मैंने तो थोड़ा सा हाथ तरीके से लर्न किया ये सब चीजें। तो वही मैं सोचा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग कॉलेज लाइफ से कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये नॉलेज गैप रहता है, तो उसी को मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब चैनल के थ्रू इसको मैं फिल कर सकूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो तो हम लिंक दे देंगे, लोग विजिट करेंगे, और अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके बारे में अच्छा जानकारी शेयर करें, जिससे सभी को फायदा होगा। जी, और मैं और आपसे ये भी कहूँगा कि आप जो अपना वो वर्क कल्चर है, जो आपका थोड़ा ऑफिस वगैरह, इसका भी थोड़ा सा आप अगर कुछ ब्लॉग टाइप या कुछ ऐसा बनाए, तो उसमें भी काफ़ी डेटा साइंस रिलेटेड कुछ आप अपडेट्स वगैरह दे सकते हैं, ये चीज़ भी काफ़ी वर्क करेगी मेरे जी ख्याल से। जी डेफिनेटली मैं बीच में मैं ट्राई करूंगा कि जिसमें हाँ एक बार मैं दिखाऊंगा कि हाँ, लाइफ ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट, उसमें क्या क्या लोग करते हैं कैसे, और इवन 2-4 इंटरव्यूज भी मैं सोचा हूँ उसमें डाल दूंगा से रिलेटेड, ताकि
उसमें भी अलग अलग लेवल के, तो मतलब मैं जैसे मेरे जो मैनेजर हो गए हैं तो वो अभी करेंटली डायरेक्टर है डेटा साइंस में, तो उनका एक इंटरव्यू, उनके उनके पर्सपेक्टिव से क्या रहता है डेटा साइंस का, फिर एक हमारे कलीग हो गए उसके हिसाब से क्या रहता है, फिर एक CDO हो गई हमारी चीफ डेटा ऑफिसर, उनके हिसाब से क्या रहता है, तो ये भी मतलब इन फ्यूचर कर सकते हैं प्लान। अच्छा, तो अभी जैसे आपके 5 इयर्स हो गए, तो 5 इयर्स में अपनी जो आपका जर्नी एक बार थोड़ा सम अप कर दीजिए। वहाँ सेम तो कंपनी आप वर्क कर रहे हैं अभी, या कंपनी का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। अभी करंट कंपनी है हमें स्पॉक्टो करके है, स्पॉक्टो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये मुंबई बेस्ड है कंपनी। अच्छा, बट हम लोग क्योंकि ये जर्नी थोड़ी सी लंबी है, तो स्टार्ट हुआ था विभूति कैपिटल से, जो मैं कैंपस प्लेस्ड हुआ था तो नहीं वहाँ, लास्ट टाइम जब हमने बात किया था तो शायद कोई अलग कंपनी हाँ थी, यूबी थी, अभी हमने स्विच किया है। अच्छा स्विच नहीं किया हूँ मैं, वो यूबी ने स्पॉक्टो का एक्वायर किया था और वो इंटरनल ट्रांसफर है ये स्पॉक्टो में, तो इंटरनल जब जहाँ पे जैसे क्योंकि स्पॉक्टो में डेटा साइंस के लोग नहीं थे, तो अब क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी और इन्होंने जब बिजनेस केस स्टडी जब देखा तो उसमें लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ लोगों को फिट किया जा सकता है ताकि यहाँ से भी कुछ मॉडल बन सके बेसिकली, तो उसके इसीलिए हम लोगों को उसमें शिफ्ट किया गया कि हाँ मतलब हम लोग मतलब कुछ आई थिंक 5 5 लोग हैं जो अच्छा इसमें हाँ साथ शिफ्ट हुए थे। तो मतलब आप लोगों के मतलब कंपनी चेंज हो चुकी है या कैसे, क्या कंपनी चेंज हो चुकी है, ऑन पेपर चेंज हो चुकी है, तो ये ओके। जो यूबी हो गई ना, जो इसके पहले जो कंपनी थी वो पेरेंट कंपनी हो गई, ये आप एक तरह से चाइल्ड ओके कंपनी ओके मान लो क्योंकि इसको एक्वायर किया ओके गया है, तो ऐसे हाँ, ओके तो यही सब अच्छा चीजें पे मैं डिस्कस करूंगा अपने चैनल में भी, जिसमें मैं बताऊंगा कि हाँ अच्छा एक्विजिशन क्या होती है, कंपनी को कैसे लोग एक्वायर करते अच्छा हैं, अच्छा ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा हाँ, तो जर्नी के बारे में थोड़ा बता दें। हाँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था विविधि कैपिटल से, तो उस केस में क्या था कि क्योंकि वो बहुत नई कंपनी थी, आई थिंक इट्स इट वाज अ स्टार्टअप, इट वाज जस्ट अ ईयर ठीक है, तो उसमें डेटा नहीं थे, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने काफी डेटा स्क्रैपिंग किया था, लाइक फ्रॉम म्यूचुअल फंड का डेटा हो गया, पोर्टफोलियो कट्स, फंडिंग सीट्स, ये सब मतलब कंपनी के, तो वो ओके सारे स्क्रैप किए, तो उसके लिए हम लोगों ने टूल्स यूज किए थे, जैसे एक्सेल का एक VBA होता है, वो बहुत बहुत सही टूल्स है, अगर आपको अर्ली करियर में हो तो आप उसको सीख सकते हो ठीक है, उससे ओके आपको जितने भी एक्सेल के काम होते हैं ना, इवन नेहा आपके लिए भी ये हेल्पफुल होगा कि जितने भी आप एक्सेल में काम करते हो और अगर आप कुछ चीजें अगर उसको ऑटोमेट करना चाहते हो, लाइक लेट्स से अगर आपका कुछ रिपीटेटिव टास्क है ना, तो आई सजेस्ट कि आप वो एक्सेल का VBA जो विजुअल बेसिक एरे वो होता है, तो उसको आप एक बार उसको पढ़ लो, आप बहुत सही चीज है उसमें, ओके बहुत सिंपल कोड डन उसमें, वो एक्सेल में लिखी जाती है वो कोड ठीक अच्छा, है हाँ, उसको बस तो आप कहाँ से पढ़ेंगे रिसोर्स कोई? मतलब YouTube पे है बहुत सारे हैं, मतलब आपको मिल जाएंगे, मैं वैसे मैं अगर आप चाहोगे तो मैं कुछ सेंड कर दूंगा लिंक ठीक है, तो ओके वो आप पढ़ सकते हो, वो काफी सही होता है, तो वो एक बार आप आपने सीख लिया ना, उसके बाद लाइफ में आपको कभी भी कहीं भी कुछ भी एक्सेल में कुछ भी करना हो, और अगर वो रिपीटेटिव काम है कि हाँ मान लीजिए लेट्स अगर कुछ कॉपी पेस्ट का ही है या फिर मतलब ये स्क्रिप्टिंग जैसी है क्या? यस स्क्रिप्टिंग जैसी है, तो आप एक स्क्रिप्ट लिख दो ठीक है, इसके बाद लेट्स से कि अगर आपको कुछ एक वर्कशीट से कुछ चीजें कॉपी करना है, उसमें कुछ चेंज करना है और किसी दूसरे वर्कशीट में पेस्ट करना है ठीक है, और ये आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, हर दिन करना है, ये करना है, हाँ तो उसमें स्क्रिप्ट लिख दो आप, और वो आपको बस एक बटन क्लिक करना है, उसके बाद फिर वो आपको रन होके वो सारा आपका आउटपुट दे देगा, तो ये इतना सही है, तो वो जब मैंने जब सीखा था तो मैं तो बहुत खुश हुआ था कि वाओ ये चीज काफी हेल्पफुल था, तो वहां से स्टार्ट किए थे, फिर उसके बाद आर यूज करते थे हम लोग, आर लैंग्वेज, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये रफली 2 साल रहा जब जिसमें हम लोगों ने डेटा को प्रॉपर उसको स्टैंडर्डाइज किया गया, उसके बाद उस पर एक दो मॉडल बने, बहुत बहुत बेसिक लेवल मॉडल बने थे, तो ये 2 साल रहा, इसके बाद फिर हम लोगों ने फिर धीरे धीरे पाइथन में शिफ्ट हुए, पाइथन में शिफ्ट हुए, उसके बाद फिर प्रॉपर वो मशीन लर्निंग, उसके बाद डीप लर्निंग, अब तो खैर वेरी रिसेंट में तो अब तो एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है LLM का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो ये तो वर्क वाइज हुआ, बाकी कंपनी वाइज विवृति में थे, तो विवृति से यूबी अलग हुई, तो वो यूबी में आए, फिर यूबी से भी ये स्पॉक्टो में है, तो ये कंपनी वाइज ऐसा तो अभी यूबी में आपका क्या था? रहा। स्पॉक्टो तो यूबी में वही सीनियर डेटा साइंटिस्ट थे, अभी स्पॉक्टो में अच्छा भी सेम है, आई एम एक्सपेक्टिंग प्रमोशन इन मार्च, मार्च अप्रैल, लेट्स सी, ओके ओके तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन अभी फॉर दैट तो ये ठीक प्रमोशन मतलब कि अभी आपका फिर है, क्या हो जाएगा प्रमोशन के लीड बाद? लीड हो जाएंगे, फिर लीड हो जाएंगे तो फिर मेरे अंदर टीम बैठेगी,
अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि अभी जो आपकी रिसेंट कंपनी है यहाँ, ये आपने यूबी से आपको पांच एम्प्लाइज को लिया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या कुछ फ्रेशर्स को नहीं ले रहे हैं क्या? नहीं, अभी फ्रेशर्स वाली अभी हायरिंग स्टॉप हो रखी है, तो अभी करंट सिनेरियो में मार्केट, अगर आप मतलब न्यूज़ पढ़ रहे हो तो काफ़ी मतलब पहले से ऑब्वियसली रिकवर हुई है, बट हाँ स्टिल अभी भी उतने भी ओपन वैकेंसीज नहीं है जितने पहले थे, तो मतलब टाइम लगेगा कि ये चीज़ें फिर से वापस से ट्रैक में आने में। और लास्ट हमने जो बात की थी, एक आपने दिया, आपके वो दिया था आपने हैकाथॉन हाँ उसके रिगार्डिंग, जी लेकिन वो हमारे जो है ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जी इसलिए जी उसके बारे में वो थोड़ा तो सा बताइए। वो एक आई थिंक तो काफ़ी दिन हो गया, अब तो लग रहा है 4-5 महीने हो गए ना, तो हाँ वो एनालिटिक्स पे था हैकाथॉन, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें ये करना था कि आपको डेटा लाना है खुद से कंपनी का। सबसे पहले तो आपको कंपनी के बारे में समझना है कि कहाँ कहाँ पर लैग है एनालिटिक्स के टर्म्स में। उसके ओके बाद वो डेटा लाना है, मतलब उस स्टेक होल्डर से बात करके आपको वो डेटा लाना है, उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड मतलब उसको क्लीनिंग स्टैंडर्डाइजेशन ये सब चीज़ें करनी है। इसके बाद आपको ये बताना है यूज केस कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं इस डेटा को, और फिर अल्टीमेटली उसको वाया ये AWS, ये इसमें अमेजन में होता है क्विक साइट करके, उस पर डिस्प्ले कराना था, तो वो चीज़ हम लोगों ने किया था। अच्छा, तो आपने जो कंपनी के जो डेटा लिया था, आप खुद की कंपनी थी या कहीं बाहर से? ये खुद की कंपनी के लिए, खुद की कंपनी की। तो वो कलेक्शन कलेक्शन डोमेन का डेटा था वो, तो जो मैं स्पॉक्टो में, स्पॉक्टो जो कंपनी है ना, वो यही कलेक्शन डोमेन की कंपनी है। बेसिकली वो क्या करती है कि वो जितने भी, लेट्स से जितने भी बोरोवर्स बैंक से लोन लेते हैं, तो हाँ वो डेटा जो है वो स्पॉक्टो को देती है बैंक जो कंपनी है, और वो स्पॉक्टो क्या करते हैं कि वो लोग डिजिटल कलेक्शन का काम करवाते हैं। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ कि एजेंट्स घर जाएं और उनसे पैसे मांगे, वो आपको SMS करेंगे, IVR करेंगे, ईमेल करेंगे, इसके मीडियम के थ्रू वो पैसा कलेक्ट करते हैं। तो इसी में हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला था, वो एक मॉडल पर हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें ये बताना था कि किसी बॉरोवर को हम लोग कब अप्रोच करें इन द सेंस कि कब उसको SMS भेजे या IVR भेजे, ताकि उसके पिक करने के चांसेस ज्यादा हो जाए, ताकि वो पे कर दे। तो इस मतलब ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो हम लोग इस पे काम कर रहे थे, ये काफी काफी अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ये, इसमें हम लोगों ने आई थिंक सम 3 to 4 months वर्क किया था। नहीं, मतलब मैं समझा नहीं किस टाइम पे भेजे, मतलब इस टाइम पे जैसे कि अब जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब मैं आज जैसे आज मुझे कॉल आया, ठीक है, मैंने कॉल हाँ पिक नहीं किया, ठीक है, कल मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉल आया, वो भी मैंने पिक नहीं किया, इसके बाद तीसरे टाइम मतलब कॉल आया मुझे, तो मैंने वो पिक कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक मेरे इसमें एक पैटर्न है कि अगर आप इस बंदे को इस बजे इतने बजे कॉल करते हो, तो ज्यादा चांसेस है कि ये नहीं उठाएगा या उठाएगा। तो वो हिस्टोरिकल डेटा देखकर और हमें वो बताना था कि इसको कब अप्रोच किया जाए। तो बस इतना ही आपका टारगेट था कि बस मेरे वो टाइम स्लॉट पता करना है या? तो 3-4 चीज था उसमें, तो एक तो आपको टाइम स्लॉट पता करना है कितने बजे किया जाए, ठीक है, इसके बाद सेकेंड ये पता करना था कि कौन से लैंग्वेज के साथ उनको अप्रोच किया जाए। जैसे आपको आप एस मैसेज आता है तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश, राइट। यस। दूसरा मैसेज था कि, और ये तो मैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ, बाकी तमिल तेलुगु मलयालम बहुत सारी हाँ लैंग्वेजेज हो गए, ठीक है, तो हाँ वो एक था। इसके बाद तीसरा ये था कि आपको कौन सा मैसेज भेजा जाए, तो मैसेज में भी अलग अलग हार्शनेस होती है, कि एक बेसिक हो गया कि हाँ सर आपको पे करना है, एक होता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला कि अगर आप पे नहीं करोगे तो आपका सिविल स्कोर खराब हो हाँ सकता है। हाँ, हाँ तो कहीं ना कहीं आप वो सब, तो ये 3 चीजें थी करने के लिए प्रेडिक्ट, तो वो हम लोगों ने किया था, तो चल रहा है। तो हैकाथॉन में फिर आपका फर्स्ट प्राइज आया था, प्राइज आया जी था, जी जी और ये हैकाथॉन क्या अमेज़ॉन से था? यस अमेजोन में, तो इसमें सारे जितने भी हम लोग बेसिकली आपका एक यूबी हो गई, इसके बाद स्पॉक्टो हो गई, और एक कॉर्पोरेटरी एक और कंपनी है, तो सब लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, तो हाँ ये बताइए, जैसे अभी हम लोग तो अभी एज स्टूडेंट है और रिसेंट में जो फ्रेशर्स हैं जो जाने वाले, उनके लिए हैकाथॉन वगैरह कितना इंपॉर्टेंट होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं तो बोलूँगा डेफिनेटली करना चाहिए, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और अगर आप
क्योंकि हैकाथॉन जनरल इन जनरल टाइम फ्रेम के साथ आता है, तो लाइक लेट्स से एक हफ्ते का हैकाथॉन है या फिर 10 दिन का है, तो अगर आपको कुछ चीज़ नहीं भी आती है ना, तो उस टाइम फ्रेम में क्योंकि आपके पास एक टारगेट है कि हाँ आपको ये चीज करनी है, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। उसके बाद पहला ये चीज़ है, दूसरा ये चीज़ है कि जब आप टीम बनाते हो तो आप टीम में कैसे वर्क करना होता है ये सीखते हो। तीसरा ये होता है कि अगर आपको लेट्स से अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती और सामने वाले को आता है तो वो आपको बताता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे करते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत होता है। तो हैकाथॉन तो मस्त है, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको पार्टिसिपेट करना ही जैसे अभी हमारा एक अभी एनुअल फेस्ट होने वाला है पैराडॉक्स का, तो चाहिए। उसमें भी हैकाथॉन रखा जाएगा बेसिक, जो इसमें है कॉलेज हमारे स्टूडेंट अपने रहेंगे डाटा साइंस वाले, जी 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 फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक सभी रहेंगे जी फोर्थ ईयर तक। तो इसमें मैं आप बता सकते हैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो आना चाहिए जो अप्लाई कर रहा है जो जानना चाहता है इसमें। बेसिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर ये डेटा साइंस पे है तो आपको पाइथन आनी चाहिए। पाइथन में दो तीन लाइब्रेरी हो गए, जैसे पांडास हो जाता है, एक साइकिट लर्न हो जाता है, ये दो तो फॉर श्योर है। इसके बाद अगर आपके पास टेंसर फ्लो अगर आता है तो वो एक प्लस पॉइंट है, जिसमें डीप लर्निंग होती है। ये दोनों चीजें होती है। इसके बाद आपको टू सम एक्सटेंट प्रायर एक्सपीरियंस रहता है तो वो ज्यादा हेल्प करता है आपको, अगर आपने कभी मॉडल बिल्डिंग की है। क्योंकि मॉडल एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो डेटा साइंस का जो पूरा टाइमलाइन है, इसमें आपका सिर्फ 5% ही रहेगा जिसमें आप सिर्फ मॉडल रन कर रहे हो, बाकी आपका 95% उसको डेटा क्लीनिंग स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद उसका डेटा में ईडीए करना, वहां से वेरिएबल्स निकालना, कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है ये देख चेक करना, तो आपका 95% टाइम उसी में ही जाएगा। मॉडल मतलब लगाना इट्स अ वेरी इजी टास्क, पर वो जो डेटा प्रिपेयर करना उस मॉडल के लिए वो आप थोड़ा हेक्टिक होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर पहले से एक्सपीरियंस है कुछ हद तक तो वो आपको बहुत हेल्प करता है उस चीज में। तो अच्छा, हाँ ये मैं बोला। तो नहीं तो जैसे वो एज ए एक्सपीरियंस बस वर्क करता है, जो हैकाथॉन पार्ट लेना है उसे सर्टिफिकेट वगैरह भी कुछ मायने रखता है, प्लेसमेंट वगैरह ऐसा जी कुछ। जी 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 अगर अगर आपके पास अपने आप हैकाथॉन किया है और ये टू सम एक्सटेंट अगर अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आप उसके सर्टिफिकेट्स को आप बता सकते हो कि मैं इसमें पार्टिसिपेट किया था और मैंने ये किया था फर्स्ट। क्योंकि अगर आप फ्रेशर्स की बात करोगे आप, तो फ्रेशर्स के पास इन जनरल कम चीजें होती है दिखाने को, है ना, कंपेयर टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वाले क्या है कि बता सकते हैं कि हमने इतने सारे प्रोजेक्ट में काम किया, पर फ्रेशर्स के पास बहुत मतलब 2 से 3 चीजें ही रहती है इन जनरल ये आप बता सकते हो। तो उसमें अगर आपका हैकाथॉन वाला एक्सपीरियंस रहता है, अगर एड ऑन रहता है, और उसमें भी अगर आपने लेट्स से अगर आपने कुछ अगर आपने कोई रैंक सिक्योर किया है, तो वो काफी हेल्प करता है आपको कि मतलब इंटरव्यूअर के सामने की। ओके, बढ़िया। तो अभी आप जैसे आप प्लेसमेंट पे आपने जो स्टडी किया था उसमें आपको आपने जिस जर्नी अपनी शेयर की थी उसमें बताया था कि उसमें डेटा साइंस का थोड़ा शुरुआत था, बिल्कुल जी जी नाम जी हो रहा था, फिर तो आपने। हाँ मेरी जर्नी भी एक्चुअली वैसे ही स्टार्ट हुई थी। तो मुझे एक्चुअली मैं जब मैं आई थिंक फाइनल ईयर में तक था, तो उसके हाँ पहले तक मैं भी डेटा साइंस से ज्यादा मैं मतलब काइंड ऑफ अनजान ही था, कि मुझे भी नहीं पता था कि ये चीजें ऐसी होती हैं। फिर हाँ मेरे मेरे एक फ्रेंड का हुआ था डेटा साइंस में इंटर्नशिप, एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो कि हाँ डेटा साइंस भी एक डोमेन होता है जिसमें आप वो कर सकते हो। ठीक है तो इस आपने वहां से एक्सप्लोर करना शुरू किया जी था जी जी और उसके बाद आप डाटा साइंस फील्ड में काम कर रहे, और अभी हम लोगों के लिए जो है आईटी मद्रास का एक ये प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन डाटा साइंस, तो ये हम लोग कर रहे हैं, और जी अभी जो है गेट में एक अलग से डाटा साइंस का पेपर हो गया है, तो उसके थ्रू भी लोग बिल्कुल स्पेसिफिक डाटा साइंस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज से भी कोर्सेज करेंगे। नहीं तो मतलब तो मैं एक्चुअली रिसेंट डेवलपमेंट्स में मैं ज्यादा ध्यान में नहीं हूँ मुझे कि क्या क्या चीजें अच्छा, होती हैं। अभी गेट में मतलब एक अलग ही डोमेन हो गया डाटा साइंस का, अभी नेहा ने एग्जाम भी दिया है रिसेंटली, फर्स्ट एग्जाम था। ओके कैसा रहा तो एग्जाम मुझे बता पाओ। नेहा एक्चुअली कैसा है ना कि जो लोग ये बीएस कर रहे हैं ना और डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छे से अगर उन्होंने किया है और एग्जाम दिए, क्योंकि जो हम लोग एग्जाम देते हैं ना बीएस डिग्री में बिल्कुल वैसा ही रहता है। बिल्कुल मतलब मुझे तो एग्जाम देते टाइम लगा ही नहीं मैं गेट का पेपर दे रही हूँ, मतलब ऐसे ओके तो हो रहा था क्योंकि मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, बिल्कुल सेम वैसा ही वो सब कुछ रहता है। तो मुझे लगता है जिसने भी डिप्लोमा कंप्लीट किया होगा ना वो निकाल लेगा गेट का पेपर, क्योंकि क्वेश्चंस भी वैसे ही रहते हैं। बहुत मतलब अगर आपको डिफिकल्टी लेवल पे बोला जाए तो मतलब मॉडरेट तक आप बोल सकते हो। हाँ मॉडरेट बोल सकते हैं, अगर जैसे ये बहुत अच्छे से किया होगा ना किसी ने डिप्लोमा तक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो आराम से निकालेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी उसको।
मतलब मैं ये कहने का यही जानना चाहता था आपसे कि आने वाले टाइम में डेटा साइंस का कितना एक्सपेक्ट किया से, मतलब क्या रोल होने वाला है, क्या सही है या कुछ रिसेशन है क्या है? नहीं मैं एक ही चीज मैं सबको बोलता हूँ कि ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी। मतलब आप यू आर राइट। कल को कुछ भी हो, अगर आपने आपका क्वालिटी वर्क है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, सब कुछ है, तो आप कभी भी आउट ऑफ डोमेन नहीं जाओगे। स्किल्स मैटर करते हैं, क्योंकि अभी हाँ लोग रिसेशन बोल रहे हैं, बट इतने, मतलब मैं एनालिटिक्स फील्ड की बात करी और डेटा साइंस की, बहुत ओपनिंग्स है अभी भी। जिसके पास राइट स्किल्स होगी वो जाएंगे, जरूर जाएंगे। ऐसी नहीं है कि मतलब हायरिंग आपकी एकदम बंद हो गई, जीरो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्किल है वो अभी भी जॉब ले रहे हैं, और जो नहीं है मतलब वो तो ऑब्वियसली, मतलब आप नहीं हो तो आप धीरे धीरे मेहनत कीजिए, आप स्किल गेन कीजिए, तो आप उस, तो मतलब स्कोप है, हमेशा से रह रहा है, स्कोप रहेगा। और ये है कि आप बस आप फोकस करो कि आप स्किल कितना अच्छा मतलब डेवलप कर सको, तो आपको हेल्प करेगा ये चीज। और नेहा बताओ, तुम कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ, एक्चुअली एलएलएम का पूछना था मुझे। आपने एलएलएम मेंशन किया था, तो जी अगर अगर कोई सीखना चाहेगा तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे कंटेंट देखे जो ऐसा बेसिक से नहीं स्टार्ट हुआ था बहुत। जी। तो तो एक्चुअली मैं LLM का ये है कि आपको, मैं मेरे पास है 2-3 लिंक्स है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, फॉरवर्ड कर देना। वो टू सम एक्सटेंट बेसिक से है, लेकिन हाँ आप अगर आप बहुत बेसिक एक्सपेक्ट करोगे तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो सकता है, और ठीक है। अगर लेट्स से एलएलएम पे मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो मुझे कौन कौन सी चीजें पहले से आनी चाहिए, जैसे पाइथन हाँ हो तो गया उसके प्रैक्टिकल के लिए? जैसे अगर आप LLM के बारे में आप पढ़ना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ये आप जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या कंपोनेंट हैं, ठीक है, इसके बाद सेल्फ अटेंशन, ये सब तो आपको 2-3 वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, वो काफी डिटेल्स में बताया प्रॉपर, मतलब विथ मैथमेटिकल वो सब करके, तो उसको आप गो थ्रू कर लो। तो उससे अगर आप एक बार आपका ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स और ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर हो गई ना, उसके बाद फिर आपको LLM समझना इजी हो जाएगा। और हाँ आजकल तो मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं LLM, तो हर कंपनीज के तो अपने अपने निकलते जा रहे हैं, और रिसेंट फ्यूचर में इसके तो काफी स्कोप है। मतलब एक तो चैट GPT का तो जानते ही हो आप लोग सारे, हाँ, बट अपार्ट फ्रॉम चैट GPT भी इवन हम लोग भी अभी जो काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि जो भी क्योंकि हमारे कलेक्शन डोमेन का काम है, और जो IVR जाता है तो IVR जा रहा है, या फिर इवन एजेंट भी कभी कॉल करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग उस कॉल को समराइज करते हैं, तो उसको भी समराइज करने का होता है, समराइज करते हैं। या फिर पहला एक ये है, दूसरा ये है कि हम लोग हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, लेट्स से अगर आप कंपनी में जाओगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है कंपनी की। अब उसमें क्या होता है कि अब लेट्स से इफ यू वांट टू आस्क एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन कि मान लीजिए कि व्हाट इज द नोटिस पीरियड ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, ऐसे करके आपने पूछ लिया, ठीक है। तो अब ये क्या है कि वो जो है आप उसमें LLM मॉडल में आपको इनपुट डालो, और उसके बाद आपको वो क्या करेगा कि वो आपको सारा वो स्क्रैप वो रीड करेगा, और वहां से आपको इनपुट दे वो आउटपुट दे देगा। ना कहीं आप क्वेरी जो होता है ना, क्वेरी सिस्टम, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, इंस्टेड ऑफ कि डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं, आप प्राइवेटली डॉक्यूमेंट से आप क्वेरी कर सकते हो। तो ये अभी हम लोग करेंटली इस पे काम कर रहे हैं, तो वही मुझे अभी एक यूज केस याद आया तो मैं बता दिया। और सेकंड चीज ये है कि मैंने मतलब जो ये अभी इंटर्नशिप स्टार्ट की ना, जी तो मतलब है तो डेटा डेटा एनालिसिस का ही काम है, जी बट जी बहुत बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने सस्टेनेबिलिटी बहुत मेंशन किया हुआ है कि फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी पार्ट, इसमें ज्यादा फोकस करो। ESG टर्म करके बहुत यूज हो रहा है अभी, बहुत सारी कंपनीज ने इसको वो भी करना स्टार्ट किया, अडॉप्ट करना भी स्टार्ट किया है ESG का ESG। हाँ, तो ESG को छोड़ो, पहले ये सस्टेनेबिलिटी कितना मैटर करता है, या तो सस्टेनेबिलिटी, हम बोलिए। सस्टेनेबिलिटी कितना मैटर करता है? जैसे डेवलपर्स अगर कोड लिख रहे हैं या फिर कोई भी मॉडल बना रहे हैं, मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कंपनीज में ये अब मतलब स्टार्ट हो चुका है वैसा। जी तो अगर एज ए डेवलपर अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो
पहला चीज ये होता है कि आपको हमेशा मतलब ये फोकस होना चाहिए कि क्योंकि आपका कोड प्रोडक्शन में जाएगा, ठीक है, तो एक तो आपका लैग टाइम नहीं होना चाहिए कि आपको, जैसे होता है ना कि आपने कोई हिट किया और वो वहां से जब आउटपुट देगा तो ऐसा नहीं हो कि बहुत टाइम लगना चाहिए, तो वो जो होता है ना टाइम टेकिंग लेटेंसी, उसका वो उसका एक ध्यान रखना होता है उस चीजें का। इसके बाद सेकेंड जो होता है कि कल को अगर आपका स्केल होती है चीजें, तो जो बातें हो रही है कि कल को अगर चीजें स्केल हो रही है कि आपका डेटा बेस आपका बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि मतलब हम लोग जैसे टर्म यूज किया जाता है जैसे कोड फट जा रहा है, तो ये नहीं कि हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है कि जब आप कोड को डेवलप कर रहे हो, तो इसके बाद मेक श्योर करना होता है कि रीडेबल फॉर्मेट में हो, ताकि ऐसा ना हो कि कल को आप किसी को केटी दो तो बचने के लिए ये क्या पार्ट क्या करता है। तो ये तीन चार चीजें हैं, लेकिन हाँ ऑलवेज से कि आप जब भी इस पे फोकस रखो, कोड लिखो आप, तो मेक श्योर रखो कि आप कोड एकदम वो प्रॉपर हो कि आपको कल को किसी को भी अगर देना पड़े, समझाना पड़े, तो आप इजीली उसको दे पाओ और ऑप्टिमाइज्ड हो टू सम एक्सटेंट। मैं ये कि आप डे जीरो से ऑप्टिमाइजेशन आपका आपके आप सीख लोगे, पर विद टाइम जो है ना धीरे 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 धीरे, कि जैसे लेट्स से कि अगर आप दो फॉर लूप लगा रहे हैं तो उसमें से कैसे एक फॉर लूप हटा के कुछ चीज दूसरा कर सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं वो ऑप्टिमाइज हो कोड, लैम्डा फंक्शन लोग यूज करते हैं वो सब चीजें, तो ये चीजें होंगी। बट हाँ विद टाइम ये चीज आप सीख लोगे उसमें। हाँ ये तो क्या बोलते हैं डेवलपर साइड में हो गया। अभी एक नया मतलब एक टर्म कर गया है और पूरा एक ये जॉब प्रोफाइल है, सस्टेनेबिलिटी डेटा एनालिस्ट। सस्टेनेबिलिटी डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, हाँ जी जी। तो इससे मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके ठीक है, तो मैं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है, तो मैं अभी इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट अगर आपने ये चीजें पूछी है तो मैं एक बार जाके मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि ये पूरी एक जॉब प्रोफाइल है एक्चुअली। जी जी जी, तो मैं इस पे आई कम बैक टू यू ऑन दिस थिंग। नो प्रॉब्लम। अभी जो आप पहले वाले कुछ अपना उसके काम के बारे में बता रहे थे, बता रहे कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट से कुछ क्वेरी कर। जी जी जी, क्या मतलब नहीं समझ में। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं होते, जैसे आप चाहो तो मेरी कंपनी का डेटा आप नहीं पढ़ सकते, राइट, है ना, कोई भी वर्ड फाइल में जो भी लिखे हुए हैं। तो जैसे एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जो प्रोडक्ट टीम हमारी होती है, ठीक है, प्रोडक्ट टीम क्या होती है कि प्रोडक्ट टीम हर वीक हर स्प्रिंट कुछ ना कुछ रिलीज करते रहती है, कुछ भी चेंजेस होता है नया प्रोडक्ट में, कुछ भी चेंजेस हुआ उसको एक डॉक्यूमेंट बना के वो रखे रहती है। अब मान लो कोई एक नया बंदा आता है जो नया ज्वाइन करता है, अब उसको जानना है कि यार क्या क्या चीजें हुई हैं, और या फिर कोई एक स्पेसिफिक चीज जानना है उस डॉक्यूमेंट से, अब उसके पास एक तो वो बहुत हेक्टिक टास्क है कि आप सारे डॉक्यूमेंट पे गो थ्रू जाओ और फिर आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे वो पॉइंट था जो वो ढूंढ रहा था, है ना। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वो क्या करेगा कि एक टूल है जैसे GPT फॉर ऑल करके, ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक उसने UI बना रखा है, ठीक है, उसमें आप इसको आप इंस्टॉल डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, उसमें बहुत सारे मॉडल्स ऑप्शन आते हैं LLMs के, उसको में से किसी एक को आप इंस्टॉल कर लो। अब उसमें क्या करोगे कि आप एक उसको रेफर कर दो प्राइवेट डॉक्यूमेंट पे, तो अब क्या होगा कि आप जब भी कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे ना आप, तो वो उस क्वेश्चन को वो रेफर करेगा उस पूरे डॉक्यूमेंट में और वहां से वो आंसर आपको ला के दे देगा, तो आपको वो पूरा गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, वो फाइल भी कहाँ पर आपका वो है आउटपुट, आप बस क्वेश्चन पूछो, वो आपका जो LLM है वो आपको पूरा वो क्वेरी करके वहां से आपको दे देगा, ये मैं बताया। तो आप अपने काम में जो है GPT का यूज कर रहे हैं? जी 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 जी, यूज कर। अब GPT-4 GPT-4 जी, GPT और GPT-4 ऑल करके है, तो अच्छा जी, और ये कोई भी यूज कर सकता है इसको, ये पेड वर्जन नहीं है, जैसे आप उस पे जाओगे ना ChatGPT या फिर GPT 3.5 GPT-4 कहीं ना कहीं उसमें आपको लाइसेंस चाहिए होती है यूज करने के लिए। हाँ ये GPT फॉर ऑल ये फ्री है, इसमें कुछ कुछ मॉडल्स है जो आप एकदम फ्री टू यूज है, तो आप यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, और आपने ये भी ट्राई किया था Gemini गूगल का? नहीं अभी तो काफी है, तो अभी वो यूज नहीं हुआ है, वो प्लान में चल रहा है अभी, इनफैक्ट आज ही बात हो रही थी कि इसको यूज करके देखते हैं कैसा हो जाता है, तो हाँ वो अभी है प्लान में। तो अभी आपने अपने कंपनी में जहाँ भी आपने काम किया, अभी टाइम में कुछ देखा लोगों की छटनी रिसेशन? हाँ काफी काफी बार देख लिया मैंने तो। अच्छा, तो ये रहता है, आप मतलब प्रॉफिट में हो तो चीजें होती हैं, जब आपका
बून भी होता है और वैसा भी होता है कि कर्ज भी, कभी आपका मतलब अब मार्केट आपका बहुत अच्छा होगा कि आप बस रिज्यूमे डालो और जॉब की भरमार है, और कभी ऐसा रहेगा कि आप रिज्यूमे डालो और कोई जॉब मतलब बहुत मेहनत करो तो तो भी जब उनको जॉब नहीं मिल। नहीं तो जब रिसेशन हुआ आपने जो देखा तो वो किस लेवल पे ज्यादा हुआ? रिसेशन अभी इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि 2 साल पहले से जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लास्ट वन स्टार्टिंग के जो 1 ईयर थे वो तो काफी खराब थे, मतलब वो तो उसमें आप सिर्फ फायरिंग की न्यूज सुनोगे आपकी, गूगल ने इतना फायर किया, इसने इतना फायर किया, और वो सिर्फ वही न्यूज थे। उसके बाद 1 साल के बाद अब जाकर थोड़ी मतलब अब फायरिंग वाली न्यूज एटलीस्ट बंद हो गए, और कहीं कहीं से हायरिंग के भी मैं सुन रहा हूँ। इवन मुझे भी अभी लिंक्डइन पे भी काफी मतलब रीच आ रहे हैं कि सर आपको मतलब बेस्ड ऑन वो प्रोफाइल की, उन्होंने प्रोफाइल विजिट किया और उसके लिए इंटरव्यू ये सब चीजें के लिए वो आ रहे हैं। हाँ वो पहले बंद हो गए थे 1 साल पहले, तो वो उसी से मुझे पता चल गया कि हाँ अभी वो मार्केट वैसा चल रहा है, अब मार्केट सही हो रखा है। तो अच्छा नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं जानना चाह रहा था कि किस लेवल के लोगों की ज्यादा रिसर्च, मतलब नीचे अच्छा ये जो है ना, जब जिस लेवल का बात बोल रहे हो आप, तो ये क्या? एक्चुअली ये सारे लेवल पे हुआ है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा अच्छा कि ये सिर्फ नीचे वाले सफर किए हैं या सिर्फ ऊपर वाले सफर किए हैं, ये सारे लेवल पे। क्योंकि आप ऐसा देखो कि आप जो फायरिंग हुई थी, क्योंकि टीम भी फायर हुई है, मतलब इवन मैं अपने कंपनी में बहुत बात कर रहा हूँ, यूबी में भी, यूबी में भी एक टीम ही फायर हो गई है, तो कहीं ना कहीं सभी लोग इम्पैक्ट हुए इससे, और जो लोग थे भी उनको भी ये डिस्कशन यही चल रहा था कि आज क्या होगा, चीजें क्या चलेंगी, तो वो भी एक फेज रहा है, टफ फेज। तो मतलब आप कुछ ऐसा लाइट दे सकते हैं कि जब ऐसा होता है, रिसेशन या फायरिंग होती है, तो क्या क्राइटेरिया दे कंपनी कैसे करती है? तो हाँ, तो जो फायरिंग जब होती है ऐसा, तो सबसे पहले आपका वो देखा जाता है कि आपका अगर लेट्स से अगर 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों काइंड ऑफ सेम वर्क कर रहे हैं, काम में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो फिर आपकी डिसिप्लिन देखी जाएगी कि आप कितने पंक्चुअल हो, आप कितने मतलब चीजों को मानते हो, सही समय पे कर देते हो, वो सब चीजें देखी जाएंगी, फिर वर्क वर्क एथिक्स ये सब देखे जाएंगे। इसके बाद फिर आपको ये देखा जाएगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो कंपनी के लिए, मतलब आप कितने क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो जनरली जो लोग बेंच पे होते हैं, जो जैसे टीसीएस इंफोसिस में होते हैं, लोग बेंच पे रखे जाते हैं कि कोई यूज नहीं है, तो वो सब ज्यादा चांस होते हैं उनको फायर होने का। तो हाँ, तो इसीलिए तो इस सब चीज का बचने का तरीका ये है कि आप हमेशा एक प्रोजेक्ट पे काम करो जो कि अकॉर्डिंग टू यू क्रिटिकल हो और कंपनी के लिए वो काफी हेल्पफुल हो, और दूसरा हमेशा अपने स्किल्स को आप डेवलप करते रहो, मतलब जब भी आपको मौका मिले, तो बहुत सारे जैसे मीडियम्स के भी आर्टिकल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं जिसपे डेटा साइंस के आपके आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो मैं मेन फ्री टाइम में वो भी मैं पढ़ता रहता हूँ ऐसे ही, तो उसे भी हमेशा आपके आपके सजेशन से मैंने भी मीडियम वाला सब्सक्राइब किया था, मुझे भी मेल पे डेली अपडेट आता है, ये लग रहा होता, वो खुद भी देखते रिकमेंड करते रहते हैं, और क्योंकि ये आपके उस पे है, आपके इंटरेस्ट पे है, तो जैसे आप एक रहिए। देखोगे तो कहीं ना कहीं वो उनमें भी डेटा साइंस लगा हुआ है कि वो भी रिकमेंडेशन देते हैं, तो कहीं ना अच्छा कहीं नहीं, आपने तो जैसे जैसे आपने अपने बताया पंचुअलिटी और ये सब चीजें जो आपने बताई, तो मैं ये जान सकता हूँ कि जब आप एक टीम के साथ काम करते हो, मान लीजिए आपकी टीम में 5, 6, 10 लोग हैं, तो क्या कंपनी कैसे मॉनिटर करती कौन पर्सन कितना क्रिटिकल है, क्या किसका कैसा रोल है, कैसे हाँ, मॉनिटरिंग कैसे होती तो इसकी मॉनिटरिंग ऐसे होती है कि जैसे अगर 5 लोग हैं एक टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज तो ये होगा कि 5 लोग नॉट नेसेसरली कि एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, ज्यादा चांसेस है कि 5 लोग अलग अलग चीजों पे काम कर रहे होंगे, है ना। इसके ओके? बाद उन 5ों में से उनका प्रोजेक्ट का यूज केस देखा जाएगा कि एक्चुअली में लेट्स से अगर ये अगर बंदा भी नहीं रहे, इसको अगर फायर किया जाए, तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। सपोज 5ों में मैं हूँ और मैं अपने स्किल पे काम कर रहा हूँ, हाँ फिर कंपनी डिसाइड किया कि मान लो 3 दिन, तो कंपनी को कैसे पता चले कि हाँ मैं स्किल अपने जी बिल्ड कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ये सब चीजें रिपोर्टिंग कैसे होगी जी वही? तो जैसे आप हो, ठीक है, मान लो आप और मैं ही हूँ, ठीक है, मेरे हम लोग का एक मैनेजर है, ठीक है, उनको सारा पता है कि आप किस पे काम कर रहे हो, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, या नेहा किस पे काम कर रही है, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि ये आपको कन्वे नहीं होगा, वो मैनेजर को कन्वे होगा कि आपके टीम से एक लोग को हटाना है, आप बताओ कि किनको। बायस भी तो हो सकता हाँ हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाइफ लाइफ इज नॉट फेयर, ये तो है ही तो आप ये ओके एज्यूम करके, तो पर कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें होती है ना, क्योंकि मैनेजर को भी पता है कि इससे कितना इम्पैक्ट होगा, तो और कल को लेट से अगर मैनेजर भी बहुत हद तक बायस नहीं हो सकते, अगर उन्होंने बायस होके और किसी अच्छे बंदे को निकाल दिया,
लेट से कम टैलेंटेड बंदे उनके पास है तो उनका ही काम टफ हो जाएगा, समझ रहे हो आप? तो जब फायरिंग की बातें होंगी, चीजें होंगी, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन उस पर लिया जाएगा। तो जैसे आप जिसको फायर करना है उसको कुछ नोटिस पीरियड और कुछ तो मिलता होगा? तो आपको दो मंथ का, मतलब डिपेंडिंग ऑन अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। जैसे कुछ लोग, कुछ कंपनी अगर 6 महीने भी दे देती है, कुछ वो सपोर्ट भी देती है कि आपको अगर जैसे किसी कंपनी में अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से रेफरल वो सभी देती है। तो अलग अलग चीजें होती है, लेकिन हाँ इन जनरल अगर कंपनी अच्छी है तो आपको 2 महीने का सीवियस पैकेज देगी वो, और इसके बाद सपोर्ट देगी, ये सब चीजें देंगी। तो जैसे आप जिस कंपनी में, अब डायरेक्टली अब नहीं बता रहे तो मुझे वो नहीं कह रहा हूँ, बट अगर किसी को ऐसे नोटिस पीरियड में रखा या ऐसे है रजिस्ट्रेशन फायरिंग का सीन है, तो उसको जो लास्ट के जो सेटलमेंट वगैरह पेमेंट वगैरह सब इजीली हो जाते हैं या कुछ दिक्कत होती नहीं, है? इजीली हो जाता है। हाँ, उस वो सब में नहीं दिक्कत करेंगे वो लोग। अच्छा, और अगर कोई पर्सन अपने से स्विच करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं? तो जब खुद से जब स्विच करना चाहता है तो ऑब्वियसली पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको जॉब प्रोफाइल ढूंढनी पड़ेगी जो आपके इंटरेस्ट से मैच कर रही हो। इसके बाद उसमें देखिए आप क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आपसे कितना मैच कर रहा है, उसके बाद उसके हिसाब से आप तैयारी करो, अप्लाई करो। और एक बार जब वहाँ पे आप ऑफर लेटर ले लेते हो, फिर आप यहाँ पे रेजिग्नेशन डालो। फिर रेजिग्नेशन डालने के बाद 2 मंथ्स का नोटिस, मतलब डिपेंडिंग ऑन कंपनी 1 मंथ 2 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, और उसके बाद फिर आप वहाँ पे ज्वाइन। तो जैसे अब मुझे रिजाइन ये देना है नोटिस पीरियड में, तो मुझे ये बताना होता है कि मैं नेक्स्ट कहाँ जा रहा हूँ या मैं कहाँ ज्वाइन करने वाला? नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कोई कंपल्सन नहीं होता है, या आप कुछ भी बोल सकते हो, पर्सनल रीजन या फिर वैसे, कोई फोर्स भी नहीं करेगा आपसे कि आप कहाँ जा रहे हो। मतलब कैजुअली लोग पूछते हैं कि एज ए ह्यूमन कि हाँ आप कहाँ जा रहे हो, कहीं कुछ प्लान व्लान है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है कि आपको बताना ही है। तो आपने अभी जितने लोगों के साथ काम किया, जितना आपका जर्नी रहा, उसमें आपके सामने से कोई आया एग्जांपल जो इसने कोई स्टार्टअप किया हो और थोड़ा रीजन करा सही से? हाँ, एक्चुअली मैं कॉलेज के हैं, कंपनी के भी हैं, पर थोड़े वो सीनियर लेवल पे हैं। अच्छा, तो उन लोगों ने छोड़ के अपना एक स्टार्ट किया था और अभी चल रहा है। तो वो टेक डोमेन से थे, तो टेक डोमेन से थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस भी वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी हो रखा था। तो आप जब इतने साल आप किसी एक डोमेन में बिता लेते हो तो आपको उसके लूप होल सभी पता चल जाता है, तो उसको आप यूज़ करके कंपनी स्टार्ट कर। तो उन्होंने वही स्टार्ट किया था, और इसके बाद बाकी मतलब मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स लोग एक दो जो उन्होंने स्टार्ट किया और अभी वो चल रहा है। तो डेटा साइंस को टेक डोमेन में नहीं मानते आप? नहीं, डेटा साइंस टेक डोमेन में है, टेक डोमेन में ही कंसीडर किया था, आईटी में। अच्छा, तो आपका तो एक वीडियो मैंने शेयर किया था अभी चैनल पे, और आप कुछ वीडियो आपने अपलोड किया? मैं अपलोड नहीं किया अभी, मैंने इन टोटल 2 वीडियोज हैं और आई थिंक 5-6 शॉर्ट्स हैं, तो ये डाला। अच्छा, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं बहुत मतलब मेक श्योर कर रहा हूँ कि कंटेंट अच्छा हो, क्वालिटी थोड़ा सही हो, तो थोड़ा सा क्योंकि फर्स्ट टाइम ही है, मैंने कभी किया नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगा के मैं, तो टारगेट ये है कि वीकली वंस वीडियो उस पर डालने का। अच्छा अच्छा, तो अभी जैसे जो आपके वर्क फाइल रहता है, इसमें आपने तो कोडिंग वगैरह पार्ट हो गया, डाटा एनालिसिस टूल्स वगैरह हो गए जो आपने बताया यूज करते हैं, जी जी, इसके अलावा क्या आप कभी आपको वीडियो एडिटिंग या इस सब चीजें भी करनी पड़ती है? मतलब ये डेटा साइंस वाले पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो आप? मतलब आपके कभी कोई काम ऐसा आ गया करना पड़ता है? नहीं, वो जानता नहीं। नहीं, वीडियो एडिटिंग ये सब वाला काम नहीं है, मतलब कोई काम नहीं है सर? नहीं, वीडियो रिलेटेड नहीं है। कोई प्रेजेंटेशन? हाँ, प्रेजेंटेशन वाला रहता है। प्रेजेंटेशन जैसे आप बनाते हो तो वो प्रेजेंट करना होता है अपने मैनेजर्स को, ये वो सब चीजें होती है। मॉडल का प्रेजेंटेशन होता है कि हाँ कैसे वर्क कर रहा है, इसका आउटपुट क्या है, वो सब चीजें होती है, डेटाबेस का, ये सब चीजें होती है। तो पीपीटी में? इन जनरल पीपीटी में नहीं होता है, क्योंकि आप पीपीटी बनाते हो ना, अनटिल अनलेस कि जैसे मान लो मैं अब सीडीओ को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ चाहे वो, तो कुछ टू सम एक्सटेंट पीपीटी में होगा। अदरवाइज अगर मैं मैनेजर को बोल रहा हूँ, तो क्योंकि मैनेजर तो जानता ही है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ,
है ना, तो अब उसके लिए पीपीटी बनाना तो वो एक एडिशनल टास्क हो जाएगा राइट, अनटिल अनलेस कि उसको कहीं प्रेजेंट करना हो तो अलग बात है, अदरवाइज इन जनरल वो कन्वे करके स्क्रीन शेयर करके और वो दिखा देते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे तो अभी जब कुछ दिन पहले भी मैं आपसे कांटेक्ट किया तो उसमें आप छुट्टी पर थे कुछ अपने घर के जी जी रिक्वायरमेंट्स के, जी 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 तो कितनी छुट्टी वगैरह लीव मिल जाती है? तो छुट्टी का ये ऐसा है कि आपको जो छुट्टी है उसके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, एक तो कैजुअल हो गया, ठीक है, कैजुअल होता है साल, आप छठ छठ पे भी आए थे? छठ हाँ छठ पे गए थे, छठ पे कितनी लंबी छुट्टी मिली थी आपको? पे तो पहले क्या था कि हमारा वर्क फ्रॉम होम था, ठीक है, तो उस केस अच्छा में तो वर्क फ्रॉम होम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अब ये वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी हट गई है, ठीक है, तो अभी अच्छा कुछ रिसेंट 2-3 महीने पहले ही हटी है, ओके तो आई थिंक थैंकफुली कि मैंने छठ उस टाइम ही कर लिया, हो गया था, तो उसके अच्छा बाद से ये पॉलिसी हट गई अच्छा है, तो अच्छा उसके पहले तक जो भी थे वो ऐसे काउंट नहीं होते, बट हाँ इन जनरल कैजुअल आपको 12 मिलते हैं, अनलीव 24, ये मतलब ऑब्वियसली डिपेंड कंपनी टू कंपनी, ठीक है ना, ये कोई इसका कोई रूल्स नहीं है, कोई अलग होते हैं, हमारी कंपनी में ये है कि कैजुअल 12 है, अर्न आपका 24 है, सिक लीव 12 है, और इसके बाद आपका फिर बाकी दूसरी चीजें पैटर्निटी मैटर्निटी वो सब हो जाती हैं, चाहे फिर एक कोविड लीव था वो भी है अभी भी, तो एक फीमेल के लिए जो अपने मैटरनिटी मैटरनिटी तो कितनी लीव मिलती है ऐसी पेड लीव? मैटर्निटी उसका अभी है आई थिंक 3 मंथ्स है, आई एम नॉट श्योर, 3 मंथ्स के अराउंड है, हाँ, 3 मंथ? और पैटर्निटी मेल का भी है तो 1 मंथ, 1 मंथ था आई थिंक, नाउ इट्स रिड्यूस्ड टू 10 डेज और समथिंग, अच्छा तो हाँ जो सिक लीव की बात कर, सिक लीव में कुछ देना पड़ता है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट हाँ ऐसे? अगर आप 2 दिन से ज्यादा हो तो आपको डॉक्यूमेंट देना है, अदरवाइज फॉर 2 डेज इट्स मैनेजेबल, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स ओके ओके। अभी आपको वीकेंड प्रॉपर मिल जाता है नहीं, सैटरडे संडे नहीं वो दोनों? प्रॉपर होता है, उसमें कोई कॉल्स नहीं कोई कुछ नहीं, उसमें मतलब प्रॉपर आप जो करना चाह रहे हो जो चीज के लिए आपको, और मेरे दिमाग में क्वेश्चन और था कि मिस हो गया। खैर और आप लोग कैसा चल रहा है नेहा, मतलब छुट्टी का क्या सीन होता है वहां पे, कैजुअल अर्न ये सब? अच्छा मेरा तो एक्चुअली है अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, अच्छा और अभी ऐसा मतलब टाइम नहीं है जैसे जॉब में प्रॉपर होता है 9 to 5 या फिर ऐसा 10 to 6 ऐसे रहता है, हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम है और ऐसा कोई टाइम नहीं है, बट मीटिंग्स बहुत होती है, हाँ मीटिंग्स तो हाँ मीटिंग्स बहुत होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आप बता रहे हो कि वीकेंड्स पे भी कोई कॉल या फिर कुछ भी नहीं आता है, जो करना चाहो करो, हमारा ऐसा होता है कि काम हो गया तो मतलब नहीं काम आपको करना पड़ेगा, अगर जैसे मंडे को मीटिंग रहा या फिर कुछ ऐसा फ्राइडे को कुछ मीटिंग हुआ कुछ काम प्रोवाइड कर दिया तो पूरा सैटरडे संडे काम करो, फिर मंडे को उनको अपडेट्स, तो ऐसे हो जाता है। ध्यान, ये मेरे साथ भी होता था पहले, बट अब थोड़ा मतलब चीजें काफी हद तक खत्म ही हो गई हैं हमारे। वो स्टार्टिंग में होता ही है मुझे ऐसा लगता है, फिर जैसे जैसे आई सजेस्ट कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ा बेटर भी है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि आप अभी लर्निंग फेज में हो, स्टार्टिंग फेज में हो, तो स्टार्टिंग फेज में आप जितना अपने आप को पुश कर सको चीजें सीखने के लिए उतना आपको बाद में हेल्प करता है। और हाँ एक और क्वेश्चन था, मतलब कोई अगर जैसे डेडलाइन होती है तो कभी कभी ऐसा मेरे साथ तो ऐसा होता है बिल्कुल एंड ऑफ द डे काम होता है, तो उसको कैसे मतलब बिल्कुल मैनेज करें चीजें? तो अगर एंड ऑफ द डे काम होता है डेडलाइन वाला, तो उसमें भी दो चीजें होती है कि जब भी आप डेडलाइन दो, ठीक है, तो आप मेक श्योर करो कि एक तो आपका होता है कि आप कितने दिन में आप कर लोगे, वो आपको पता होता है कि ये कोई काम है, ये मैं लेट्स से मैं 1 दिन में 2 दिन में खत्म कर। अभी हाँ तो ऐसा है कि सब कुछ नया है मेरे लिए। सब कुछ नया, करेक्ट। तो अभी जो आपके लिए सब कुछ नया है, तो सबसे पहले ये क्लैरिटी आप अपने मैनेजर को दे देना कि देखो ये चीज एकदम मेरे लिए सब कुछ नया है, तो पूरा टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है, तो एक सीखने का टाइम प्लस एक्चुअल जो काम करने का जितना समय लगेगा वो प्लस बफर, ये तीन मिलाकर ही एक डेडलाइन देना चाहिए अभी के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब जब भी डेडलाइन दो तो उतने में दो, उसके बाद जब आपने एक बार डेडलाइन दे दिया है, और क्योंकि अभी आपको उस काम का वो नहीं पता कि आपको डेफ्ट की कितना समय लगेगा क्या लगेगा, तो आई सजेस्ट कि जैसे ही आप डेडलाइन देते हो उसके बाद आप उस पर थोड़ा थोड़ा उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे वो ना रहे कि वो होता है ना कि डेडलाइन
वो हो जाना कि पार हो गया कि हाँ तो मिस हो जाती कभी कभी। और हाँ पहले होता था, अभी कैसा है कि 4 months हो चुके हैं तो अभी आइडिया हो गया है कि कब हाँ, स्टार्ट करना है कैसे करना है। और धीरे धीरे आप स्टार्टिंग और भी बहुत कुछ सीखोगे, प्रॉफिट में वो ना, तो धीरे धीरे आप वो भी सीखोगे कि डेडलाइन को कैसे और थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब कीजिए कि अगर आपको लेट से आपको 2 दिन में करना था, लेकिन क्योंकि अब 2 दिन में नहीं हो पाया, ठीक है, तो आप वो बता दोगे कि हाँ क्या रीजन थे कि जिसकी वजह से आप नहीं हो पाया। तो लेट से अगर किसी आपके पास डिपेंडेंसी है तो आप बोल सकते हो कि अरे ये मैंने उसको बोला था लेकिन उसका बोल, बट ये बट चीजें अभी होती है। मुझे ऐसा लगता है अभी ये चीज नहीं अभी सीखनी चाहिए तो थी, आप ये सब वो होता है कि चीजें। वो चीजें जो आप अल्टीमेटली सीख लेते हो ना चाहते, राइट। तो हाँ तो ये है। लेकिन हाँ और ऑब्वियसली जब भी फिर आप डेडलाइन दो तो वो 3 को ऐड करके, और जब भी डेडलाइन दे दिए उसके बाद आप स्टार्ट कर दो उस पर वर्क करना, क्योंकि हाँ, और एक और चीज था कि अभी जैसे मेरा क्या है कि एमसीए का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, इसके एग्जाम्स होंगे मेरे अप्रैल एंड में, और साथ ही साथ मेरा इंटर्नशिप भी खत्म होगा। तो अभी मेरे कॉलेज का प्लेसमेंट का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि हम ही लोग फर्स्ट बैच हैं, तो अभी ये तो नहीं पता है। फिर और दूसरी चीज, मैं बाहर से भी मतलब ट्राई कर रही हूँ, अपने रिज्यूमेस डाल रही हूँ और इधर उधर करके रेफरेंस के थ्रू या फिर ऐसे भी। और यहाँ पे जो है जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ वहाँ पे क्या है कि मेरे साथ 7 लोग हैं, तो अभी बिल्कुल श्योर नहीं है कि वो पीपीओ सबको प्रोवाइड करेंगे या फिर कुछ कुछ लोगों को। तो मुझे मतलब और एडिशनली क्या करना चाहिए? तो क्योंकि देखिए अभी एक चीज मैं अभी बीच में नेहा से पूछना चाहूंगा कि हाँ 7 लोगों का जिक्र किया था, इसमें कितने मेल फीमेल कितने हैं, बॉयज गर्ल्स क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स 3 है ओके और लड़के 4 है। इसका भी कोई इफेक्ट होता है, मतलब अगर कंपनी नहीं करती है नहीं कोई ऑफर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं। सर से, सर मुझे से मैं सर से मैं सर से अच्छा पूछ रहा सॉरी हूँ। देखिए मेरे हिसाब से तो थोड़ा रहता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है जेंडर का, ठीक है, बट अगर बहुत भी नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में, मतलब लेट्स से अगर कोई कम टैलेंटेड भी मतलब है तो उनको ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सम एक्सटेंट वेरी मिनिमल मैं ये बोलूंगा, मतलब ओके इतना है कि आप उसको इग्नोर करके चल सकते हो अभी, ऐसा मतलब मिनिमल जो आप कह रहे हैं तो प्रिफर किसको करते हैं, बॉयज या फीमेल किसको प्रिफर अब करते नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग एक्चुअली, मतलब उसमें प्रॉपर टैलेंट को ही देखा जाएगा, है ना। हैं? हाँ ओके तो ओके ये चीजें हैं। तो मैं अभी एक बीच में आपने जो किया था बात लिंक्डइन की, तो वो मैं जानना चाहूँगी सर, अभी जो हमारे साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 4 साल का है, तो इसमें लिंक्डइन पे एक्टिव रहना और प्रोफाइल किस तरीके से मैनेज करना कुछ बता सकते हैं, इसके बारे में गाइड रहना चाहिए कि नहीं? वैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले लड़के भी हैं जो बिल्कुल लिंक्डइन के पूरा अकाउंट ही नहीं है, वो भी नहीं एक्टिव है, तो क्या उनके लिए लॉस में है, या उनको बाद में कर सकते हैं चालू या लिंक्डइन पे या? नहीं, मैं सजेस्ट किया लिंक्डइन प्रोफाइल तो पहली बात तो सबकी होनी चाहिए, ठीक है, जो भी इस ओके डोमेन में घुस जाना चाह रहे हैं जिनका भी, ये लिंक्डइन प्रोफाइल डेफिनेटली होना चाहिए पहला। दूसरा, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस बना दिए छोड़ दिए और कभी कभार ही विजिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लिंक्डइन प्रोफाइल आप उसको अपडेट करो जितना हद तक आप कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, जो भी आप नया लेट्स से नए कोर्सेज कर रहे हो या फिर कोई नया स्किल है या फिर लेट्स से हैकाथॉन में अगर आप कुछ जीत रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो उसको आप वहां पे अपडेट कर दो लिंक्डइन पे, वो चीज़ अपडेट करते अच्छा रहना चाहिए, तो वो प्रोफाइल अप टू डेटेड होना चाहिए। और ओके क्योंकि और चौथा ये है कि आप इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग लेट्स से इंस्टाग्राम और फेसबुक, आप लिंक्डइन में थोड़ा स्क्रॉल करो, इससे आपको पता चले कि यार कॉर्पोरेट में चीजें क्या क्या हो रही है, क्योंकि वहां पर आप अगर देखोगे तो सब अपने अपने कंपनीज के बारे में कुछ कुछ बारे में बताते रहते हैं। हाँ तो मैं वो सजेस्ट कि एटलीस्ट 10 से 15 मिनट भी आप लिंक्डइन स्क्रॉल करोगे तो आपको काफी आइडिया मिलेगा कि हाँ किस जॉब रोल का काफी मतलब वो चल रहा है, डिमांड है। इसके बाद पहला ये चीज, दूसरा चीज ये था कि कुछ कुछ रिसोर्सेज भी आपको लिंक्डइन पे मिलते हैं। लेट्स से अगर आपको डेटा एनालिटिक्स का ही है तो डेटा एनालिटिक्स के कुछ पेज आप वहां पे फॉलो कर सकते हो या फिर कुछ कुछ लोगों को फॉलो कर सकते हो। तो मैं मुझे तो काफी ऐसे रिसोर्सेज मिलते हैं कि जब मैं स्क्रॉल करता हूँ मुझे दिखते हैं कि यार डेटा साइंस फेमस इंटरव्यू क्वेश्चंस, और वो मतलब 30-50 पेजेस के हैं, वो फ्री है, मतलब आप बस उसको रीड करो और आपकी मतलब तैयारी होती जाएगी या फिर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से भी आप बहुत कुछ सीख लेते हो। तो और मतलब पांचवा तो ऑब्वियस वो है कि आपको जॉब वॉब का कुछ भी हुआ तो वहां से लोग अप्रोच करते हैं आपको, वो सब चीजें तो है। तो अभी जो आपने कहा कि जब जब आप वर्किंग के साथ साथ अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको सेल्फ लर्निंग होना चाहिए, आपका
अपग्रेड करता रहना चाहिए। तो अभी आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब के साथ आप कुछ सेल्फ लर्निंग के लिए कुछ डेडिकेटेड आवर्स पर डे देते हो या जब टाइम मिला तब नहीं, देते हो ऐसा? नहीं तो वो ये रहता है कि मेरा मॉर्निंग का वन वन एंड हाफ आवर्स मैं हाँ डेडिकेटेडली डेटा साइंस का ही कुछ आर्टिकल्स पढ़ूंगा, या फिर मैंने कुछ दो बुक भी ले रखा है तो वो मैं पढ़ता रहता ओके हूँ, तो वो सब चीजें मैं करता हूँ। पर मतलब इन अच्छा जनरल जितना कोशिश हो पाती है, मतलब हाँ वीकली 1 से 2 दिन मिस हो ही जाता है, बट हाँ 4 to 5 days आई मेक श्योर कि आप 1 से 1.5 घंटे तो पढ़। ओके ओके। और कंपनीज में जो एनुअल असेसमेंट वगैरह होते हैं उनमें क्या क्राइटेरियाज वगैरह होते हैं? कंपनी में जो एनुअल असेसमेंट होते हैं वो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, मतलब एक बताना मुश्किल है। तो एक फैक्टर ये होता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी हुई है, ठीक है, मतलब कंपनी ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है उसके बेसिस पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये होता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अब जैसे कंपनी की लेट्स से कितना रेवेन्यू इसने जनरेट किया है, तो उसके हिसाब से हर टीम की एक बजट होती है कि आपको इस टीम में इतने ही लेट से इतने करोड़ का या फिर इतने लाख का जो भी आपको ग्रोथ दिया जाएगा। अब उसमें डिसाइड करना होता है कि किस बंदे को कितना मिलना चाहिए बेस्ड ऑन रेटिंग, ना कि किसी को 5 मिला तो ओके। उसके हिसाब से उसको उतना होगा, 3 का उतना होगा। नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा था जी बोनस वगैरह इसकी। मैं असेसमेंट का कुछ होता है क्राइटेरिया कि हर बंदे की कोई क्या उसको बोलते हैं एआर या यार, क्या? ये हाँ तो वो होता है। तो ये क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में जब स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे हम लोग का फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है तो मार्च टू अप्रैल वाला जो होता है वो, इसी में जैन टू कैलेंडर ईयर होता है जैन टू दिसंबर, तो जो भी स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो उसमें आपको पहले ही बताया जाता है कि आपके गोल्स ये रहेंगे इस ईयर के, ठीक ओके है। ओके तो उसके बाद हर क्वार्टर या फिर हर वो मिड ईयर ओके डिपेंडिंग ऑन कंपनी आपको असेसमेंट किया जाएगा कि आपका ये टारगेट था, आपने ये किया है, मतलब कितना परसेंटेज आपने कंप्लीट कर लिया अपने काम का। तो उसे इंडिविजुअल का बस वो काम ही दिखाता है और कुछ पॉइंट्स होते हैं वो मैं जानना, क्या क्या पॉइंट्स देखिए पर होता है? एक तो काम हो गया, ठीक है। उसके बाद एक होता है कि जब आप स्टार्टिंग में जब आप आपके जब गोल्स डिसाइड होते हैं उसमें बहुत सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी होती है कि अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क दैट आई डू इन अ ईयर मैं ये भी चीजें सीखूंगा। लेट्स से अगर किसी को एसक्यूएल नहीं आता तो उसमें वो लिखे है कि आई लर्न एसक्यूएल ये एसक्यूएल कोर्सेस, ठीक है। हाँ अच्छा। तो ये मतलब आपको असाइन किया जाता है एक टास्क या आप खुद से ये बताते हो खुद से कैसे? बताना होता है क्योंकि वो लर्निंग वाला तो आपको पता है ना कि आपको क्या नहीं आती ये चीजें, है ना। तो ओके हाँ ओके तो वो आप बताते हो कि मैं ये सब भी कोर्सेज करूंगा। तो क्योंकि आप काम कर रहे हो तो ठीक है आपका डेवलपमेंट हो रहा मतलब ये कंपनी ये जानने में इंटरेस्टेड रहती है कि आपके और क्या क्या स्किल्स हैं, आप क्या है। क्या हाँ मैंने जानते हो स्किल्स इस सीखे हैं। चीज़। हाँ ये मतलब अलगेन से दिस कि ये हर कंपनी में नहीं होता लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाले, कुछ कंपनीज ही आपको करवाती है या अदरवाइज। कोई इस तरह का भी वहां पर ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कुछ होता है जिसमें आप कुछ अपना एक्स्ट्रा स्किल शो कर सको, कुछ जानते हो ऐसा कुछ ऐसा होता है इवेंट कुछ ऐसा? जैसे होती हैं कंपनी में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप आपको कोई चीज कोई किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है और आपको वो पीयर्स को आपको वो करना है, तो आपको एक सेशन ऑर्गेनाइज करके लेट्स से मुझे अगर पाइथन ही पढ़ानी है तो मैं एक मेल ड्राफ्ट करूंगा, लिखूंगा कि हाँ मैं भी पाइथन का सेशन लेना चाहता हूँ, जो भी लोग इंटरेस्टेड हो कलीग आपको ज्वाइन कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एचआर से बात करके एक प्रॉपर सेशन वो सब चीजें होती हैं। तो ये ऑफिस आवर्स में होता जी 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 ऑफिस आवर्स में 1-2 घंटे, क्योंकि वो लंबा सेशन नहीं होते, वो 1 to 2 आवर्स में ही वो हो जाता है, तो कहीं ना ओके कहीं ओके ओके टाइम निकाल के वो। और मतलब और काम वैसा भी नहीं होता कि जिसमें आप मतलब आपको 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा सा मतलब वैसा होता है कि आपको डेडलाइन दे दिया गया है, अब उसके हिसाब से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मान लो अभी आपने काम करके फिर बाद में कर लो आप, वैसा वो चीजें होती हैं। तो ऐसा अच्छा नहीं है अच्छा कि आपको दिन भर पूरा बैठ के सिर्फ वही करना ही है, ब्रेक नहीं मिलेगा, वैसा नहीं। तो अभी तक की जानी में आप कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे जो कंपनी ने मतलब आपके कुछ दिया हो एक्स्ट्रा, ये मतलब कहने कोई आपका ट्रिप या टूर या ऐसा कुछ रहता है? ट्रिप टूर वो भी ऑफसाइट बोलते थे इसको, ठीक है। तो वो हाँ कंपनी करवाती है, तो जैसे अब तो क्योंकि कंपनी काफी बड़ी हो गई है, मतलब तो हाँ जब यूबी में थे तो वो तो अब यूनिकॉर्न हो गई है, तो बट अच्छा जब वो छोटी हुआ करती थी तो उस समय हम लोग को ये केरला का चाहे अच्छा महाबलीपुरम, तो ये पूरी टीम जाती थी वहां पर जाके, फिर वहां पे आपका 3 दिन का स्टे, खाना वहाँ, गेम्स अच्छा फन एक्टिविटीज वो सब सारे। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस वो एक प्रेजेंटेशन भी होता था जो आई थिंक 2 to 3 अच्छा आवर्स अच्छा अच्छा आपको मॉर्निंग में होता था,
3 से 4 घंटे का, और उसके बाद बाकी आपको फ्री है, आपको जो करना करो। तो कहीं ना कहीं वो उसमें गोल सेटिंग वो सब चीजें भी होती थी, हायर मैनेजमेंट, तो ये सब चीजें होती थी। बट अब तो नहीं, अभी तो फिलहाल तो नहीं होती है क्योंकि टीम साइज बहुत बड़ा हो गया। तो अब कहीं ना कहीं ये सिर्फ टीम में होता है, तो जैसे पहले कंपनी लेवल पे होता था, अब वो टीम लेवल पे होती है कि आपकी जैसे डेटा साइंस की टीम हम लोग कहीं गए हैं और वहाँ पे गेट टुगेदर फन हो गया। वैसे बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें आपने शेयर की और कुछ बताइए लेटेस्ट अपडेट डेटा साइंस के फील्ड में क्या हो रहा है? डेटा साइंस ऐसा डायनेमिक फील्ड है, तो मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती रहती है। तो इसके पहले मेरा एक्सटेंसिवली वर्क होता था डीप लर्निंग पे, तो जिसमें LSTM RNN ये सब में काम करता था। अब ये इस पे चल रहा है, LLM पे चल रहा है। इसके पहले थोड़ा सा के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी इस पे भी मैंने काम किया था। तो हमेशा कहीं ना कहीं हम आई फील कि हर 6 to 6 months to 1 year कुछ नया आता है इस फील्ड में। तो आपको 6 महीने 1 साल में मुझे अपडेट करना चाहिए। बट ऑब्वियसली अगर आपने पीछे की चीजें, अगर आपकी बेस स्ट्रांग है तो नई चीज को पिक करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। थैंक यू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। बिल्कुल, आपके जो भी लिंक्स आपने बताए हैं एक भेज दीजिएगा, मैं अटैच कर दूंगा। आपके चैनल का भी लिंक इसमें मैं डाल दूंगा। जी मैम। और कौन कौन सा, एक बार फिर से नेहा, आपने कौन सा रिसोर्सेस मांगा था, एक बार फिर से रिकॉल कर दीजिए। LLM के रिसोर्सेस थे, ठीक है, और एक ही थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी डेटा एनालिस्ट का, ये मैं देख लूंगा। जी ठीक है, ओके ठीक है, क्लोज करें फिर। हाँ जी, yeah, thank you thank you thank you for joining.